डॉक्टर भगवान का रूप होते हैं और अगर ये भगवान चमत्कार ना करे तो भगवान कैसे हुए। जी हाँ, लखनऊ के अपोलो हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने एक ऐसा ही चमत्कार किया है। दिल की धड़कनों को 45 सेकंड रोककर बाराबंकी के मनोज वर्मा को फिर से जीवन दान दिया है। अपोलो मेडिकल के डॉक्टर ने बताया कि हमारे पास ब्रेन एन्यूरिसम का एक पेशेंट बाराबंकी से आया था जिसकी हालत काफ़ी क्रिटिकल थी। मरीज के खून की नली में ही खून का एक गुब्बारा बना हुआ था जिसे डॉक्टर ने दिल की धड़कन को रोककर दिमाग की सर्जरी कर खून के उस गुब्बारे को बाहर निकाला। 7 घंटे चले इस ऑपरेशन में मरीज की धड़कन को करीब 45 सेकेंड के लिए 4 बार बंद किया गया और फिर सर्जरी की गई जिससे मरीज की जान बचाई जा सकी है। मनोज जी, कैसी तबीयत है अब आपकी? ठीक है। कहाँ के रहने वाले हैं मनोज जी आप? बाराबंकी। कब एडमिट हुए थे यहाँ पर? 18। काहे का ऑपरेशन हुआ है आपको? ये तो नहीं पता है, सिर का। अब कैसी तबीयत है आपको? कैसी 35 ईयर मेल हमारे पास 25th की रात को कोमा की स्थिति में आए। कोमा, वो जब सुबह जा रहे थे वॉशरूम में, देन उनको सब बहुत ज़्यादा सर दर्द हुआ, उसका मरीज कोमा में चले गए। हमने जब उनका जांच किया तो पाया कि दिमाग में खून का रिसाव है जिसको सब रेटिनॉइड हेमरेज कहते हैं। इस सब रेटिनॉइड हेमरेज यूजली दिमाग की कोई खून की नली में गुब्बारा फटने की वजह से होता है। इन मरीज के जांच में भी इनके खून की नली में गुब्बारा आया बना हुआ, बट प्रॉब्लम ये था कि वो खून की नली के साथ जुड़ा हुआ था, दो नॉर्मल खून की नलियों के साथ वो गुब्बारा जुड़ा हुआ था। तो जब हमने मरीज को सर्जरी किया तो सर्जरी करते समय हमने मरीज को 4 बार तकरीबन आर्टिफिशियली डेड या जिसको कहते हैं मृत अवस्था में ले गए दवाइयों के सहारे, और जब वो कार्डियक अरेस्ट यानी खून का प्रवाह शरीर में रुक गया तब हमने वो गुब्बारे को नॉर्मल खून की नलियों से छुड़ाया।